कल शाम को एक संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक युवक लोकल पुलिस कुंडली पुलिस स्टेशन SHO रवि इंस्पेक्टर उसको हैंडओवर किया गया था, और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसमें काफ़ी कुछ डिस्क्लोजर्स जो उस युवक द्वारा किए गए थे और कुछ एलिगेशंस किसान संगठनों द्वारा उसमें लगाए गए थे, जिसमें प्राथमिकता से सबसे पहले ये एलिगेशन था कि उसने आर्म्स वेपन्स वगैरह इस आंदोलन के अंदर सप्लाई किए हैं और इस आंदोलन को के अंदर विघ्न डालने के लिए किसी ने उसकी टास्किंग की है। दूसरा कि कुछ दिन पहले कैमला के अंदर करनाल के अंदर CM साहब की रैली, CM हरियाणा की रैली को डिसरप्ट करने के अंदर इसका रोल था। तीसरा जो रिजर्वेशन एजिटेशन था 2016 की फरवरी का, कि उसके अंदर भी इसका रोल था। तो इन तमाम एलिगेशंस के ऊपर हमने कल जब जैसे ही हमारे को युवक ये हैंडओवर हुआ था तो हमने एक खास टीम बना के DSP विपिन काद्यान, SHO कुंडली इंस्पेक्टर रवि और CIA 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंदर के अंदर के साथ हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, और इस पूरी टीम ने पूरे जितने भी फैक्ट्स सामने आए थे उनके ऊपर अच्छी तरह से इन डेप्थ जाके जांच की। अभी तक की जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है उसमें ये चीज़ें आई हैं कि सबसे पहले जो एलिगेशन था कि कोई SHO राई इंस्पेक्टर प्रदीप का एलिगेशन था कि जी कोई किसी उसने उसकी टास्किंग कर रखी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ना तो कोई प्रदीप नाम का इंस्पेक्टर जिले के अंदर है और ना ही कोई प्रदीप नाम का मुलाजिम राई थाने के अंदर है। दूसरा कुछ उसके अंदर एलिगेशंस थे कि इसके पास लैंडलाइन नंबर से कुछ कॉल्स आती थी, तो वो भी बिल्कुल किसी भी उसकी हमने कम्प्लीटली उसकी डिटेल्स सारी हमने निकाल ली हैं, ऐसा कोई भी सबूत नहीं आया। जब 10 तारीख को CM साहब की रैली करनाल के अंदर हुई थी उस टाइम पे भी ये वहाँ पे हाजिर नहीं था और ना ही किसी करनाल के व्यक्ति के साथ इसका संपर्क था, और पिछले हमने लगभग 4 महीने की इसकी पूरी एनालिसिस किया ये किस किस के संपर्क में आया, तो कोई अभी तक इन चीज़ों के ऊपर कोई भी कोई ऐसा सबूत नहीं आया जो इन चीज़ों के ऊपर कोई मोहर लगाए या पुष्टि कर सके। और इसने जो पूरे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चीज़ें इसने मानी थी आज पूरी जब डिटेल्ड में इससे पूछताछ हुई तो इसका पता लगा कि ये योगेश रावत 21 साल इसकी उम्र है और ये न्यू जीवन नगर सोनीपत का रहने वाला है। इसके जो फादर हैं वो कुक हैं, यहीं पे लोकल काम करते हैं। मदर जो हैं इसकी वो भी डिश वॉशिंग का यहाँ पे काम करती हैं। कुछ टाइम पहले ये यहाँ पे कुंडली के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर काम करता था, लेकिन कोविड टाइम्स के दौरान इसको काम से निकाल दिया गया, तब से ये अनएम्प्लॉयड था। और ये कुछ दिन पहले 20th को ये सुबह दिल्ली गया था, वहाँ से दिल्ली से ये अराउंड 4-5 बजे के करीब ये वापस आया। यहाँ पे एक प्रेम कॉलोनी GT रोड के ऊपर ही है जहाँ पे आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे एक चाउमिन की रेडी है, वहाँ पे इसने चाउमिन खाए और वहाँ पे जो लेडी थी जिससे इसने खाया उसके पास रेगुलरली ये पहले भी एक दो बार गया था, तो उसको भी हमने शामिल जांच किया। और इसकी पूछताछ और उनकी पूछताछ में ये सामने आया कि इसने उस टाइम पे कुछ जो किसान उनके वॉलंटियर्स थे उनके साथ इसकी बहस हुई, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये किसी लड़कियों को छेड़ रहा है, जिसके ऊपर इनकी आपस में बहस हुई और उसी के अंतर्गत ये उसको वहाँ से लेकर इसको किसी कैंप के अंदर लेकर जाया गया, और वहाँ पे फिर इसका कहना है कि मेरे साथ मारपीट की गई। और
बाकी इसके हमने जब जैसे ही हमें हैंडओवर हुआ था तो हमने इसका मेडिकल वगैरह इसका करवाया है, जिसमें डॉक्टर साहब ने इसको कुछ इसके निशान बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं, खास तौर पे बैक के ऊपर, तो इसके नील वगैरह पड़े हुए हैं, लाछें पड़ रखी हैं, तो वो इसका इसका कहना है कि मेरे को वहाँ पे कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की और इसके ऊपर जिसके कारण ये इसने डर के मारे ये सारे बयान दिए वहाँ पे, और बाकी आगे की जो पूछताछ है वो अभी हम इससे और वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी इनके इसके फैमिली मेंबर्स हैं, हमने इसके सारे फैमिली मेंबर्स, चाहे इसकी मदर हैं, चाहे ये इसके फादर हैं और ब्रदर हैं और इसके कुछ दोस्त हैं, सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ पे ये काम करता था वहाँ से भी हमने पूछताछ की। इसका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया, और जो भी आगे फैक्ट्स होंगे वो भी आपको अवगत करवाए जाएंगे। सर, जो किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो किस तरह इशारा कर रहे हैं, सर पुलिस ने उस पर भी कोई जांच की है? जैसे मैंने बताया कि इसमें हमने एक तो अपनी डीएसपी लेवल के अंडर एक कमेटी बना रखी है, और साथ ही हमने, क्योंकि हमने शुरू में ही लगा कि एलिगेशन उन्होंने पुलिस के ऊपर लगाया, तो इसको निष्पक्ष रखने के लिए हमने एक डीसी साहब को भी लिखा कि एसडीएम दोबारा भी इसकी जांच की जाए। तो हम जैसे ही जांच कंक्लूड होगी तो जिसका भी जो कसूर होगा उसको उचित कार्रवाई की सर, जाएगी। क्या उन्होंने कहा कि चार नेताओं को मारना था। क्या किसान नेताओं पर कोई पुलिस कार्रवाई करेगी? मैं वही आपको बता रहा हूं कि अभी तक की जांच के अंदर कोई किसी टाइप की वेपन्स की बात सामने नहीं आई। जो इसने उसमें कहा था कि जी 10 बंदे और हैं, कोई 50-60 युवक और आ रखे हैं, ना इसकी किसी भी मतलब जो पूरी इसकी सीडीआर का एनालिसिस हुआ, इसके जो जिनके साथ भी इसने पूरे पिछले कुछ दिन स्पेंड किए उन सबसे पूछताछ में ये ऐसी चीजें कोई भी पुष्टि नहीं हो रही उनकी। पर उन्होंने कहा कि चार बंदों को मारने की बात थी, उनके पोस्टर भी इसको दिए गए थे। मैं वही आपको बता रहा हूं कि इसमें अभी तक इस टाइप की कोई चीज सामने नहीं आई। और दूसरी चीज कि अभी इसका जो मोबाइल वगैरह है वो ये बता रहा है कि अभी उनकी कस्टडी में है, तो वो भी अभी एक बारी हम लेकर उसकी भी पूरी जांच करेंगे। लड़की को छेड़छाड़